हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल एम्बर बॉन्ड। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक वैसे आप देख चुके हो कि नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन आवर लाइफ क्या हो सकते हैं, मेजर चेंजेस। और इसलिए इस टॉपिक का नाम मैंने यू टर्न रखा है ना। तो क्या आ सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हमें लगता है कि नहीं हो सकती हैं। स्टिल काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, है ना। फेथ होना चाहिए, पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए उसके साथ। आपके सामने यहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं, आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। दिस इज ग्रुप नंबर वन, दिस वेरी ब्यूटीफुल ओपलाइट स्टोन। आई लव दिस स्टोन, मुझे काफ़ी पसंद है ये। एंड दिस इज ग्रुप नंबर टू, दिस लावा ब्रेसलेट, गोल्डन लावा ब्रेसलेट। ये ऐसे ही नेचुरल, दिस इज नेचुरल यू नो मेटल जो कि वॉल्केनो से बनता है, ज्वालामुखी के उससे। वेरी ब्यूटीफुल। एंड दिस इज ग्रुप नंबर थ्री, श्री लक्ष्मी देवी लोटस फीट। उसके पीछे है नीचे एंजलाइट। ठीक है, आपको इन तीनों में से जो भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको करो चूज। हम करते हैं आपके रीडिंग को स्टार्ट कि नेक्स्ट मेजर चेंजेस हमारी लाइफ में क्या आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर वन से। होप आपने अपना चूज़ कर लिया होगा ऑब्जेक्ट। ये ग्रुप नंबर वन, जिन्होंने भी चूज़ किया है आपका ये फर्स्ट ओपलाइट मून स्टोन, दिस वेरी ब्यूटीफुल स्टोन, देखते हैं नेक्स्ट मेजर चेंजेस आपके लिए क्या आते हैं और हम डेक कौन सा यूज़ करें आपके लिए। सबसे पहले मेरे फेवरेट ओरेकल डेक मैं यूज़ करने वाली हूँ, दिस वन, ग्रुप नंबर वन। हो सकता है आप लोग जो है वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्राउन चक्र आप लोगों का बहुत ही अच्छा हो सकता है। कुछ नेगेटिविटी ज़रूर आप रिलीज़ करेंगे, मेजर नेगेटिविटी रिलीज़ अगर करेंगे तो काफ़ी मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ये तो हो गई आपका, देखते हैं और वैसे कार्ड्स क्या आते हैं। सो ग्रुप नंबर वन, ग्रुप नंबर वन मैं दोनों कार्ड जो है लेने वाली हूँ। देखिए अगेन ग्रुप नंबर वन आपके लिए ना, देखिए यू टर्न का मीनिंग क्या है हमारे यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक आपका यहाँ पे एरो का कार्ड है। ग्रुप नंबर वन में वो लोग हैं जो लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हैं, जानते भी हैं कि उनको मिलेगा, हो सकता है उससे दूर हों, कोशिश काफ़ी करते हों, मिलता नहीं हो। और रीज़न यही है जो मैंने आपको फर्स्ट मैसेज डिलीवर किया है ना, मुझे यहाँ ग्रुप नंबर वन के लिए मैसेज जो मेन रीज़न जो यहाँ पे यही लग रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको समझना है, जस्ट एक्शन ले लेना है, या कोई ऐसी नेगेटिविटी जिसको आपको तुरंत रिलीज़ कर देना है। और ये नेगेटिविटी जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, काफ़ी कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है कि उनके एंसेस्ट्रल पैटर्न से रिलेटेड है। डेफिनेटली ये नेगेटिविटी जो है आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न से रिलेटेड ही हो सकती है। ठीक है, इसलिए शायद आपके ऊपर काफ़ी इफेक्ट है। हो सकता है इस वाले ग्रुप में मैक्सिमम मेल मेम्बर्स हों, या कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है मेल मेम्बर्स से हो आपका ग्रुप नंबर वन से। और आप लोगों को जो है ना अपने पैशन पे काफ़ी सारा ध्यान देना है। एक कहते हैं ना, अचानक से चीज़ को समझ में आ जाना और उस पर जस्ट कुछ एक्शन ले लेना, इस वाले ग्रुप के साथ क्या हो सकता है ना, झटके में सक्सेस मिल जाना, या झटके से कोई चीज़ को टर्न कर देना। सपोज नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना। कोई भी ऐसे शेडो साइड, कोई भी ऐसा चीज़ आप सर्च कीजिए, कोई पैटर्न हो या कुछ पॉवर्टी कॉन्शियसनेस हो, या फिर कोई ऐसा फियर हो जो कि आप पहले भी देखते आ रहे हो अपने, लाइक होते ना समटाइम्स ग्रैंडफादर, फादर, फिर आपके अंदर लाइफ में सेम पैटर्न, उस पैटर्न को आप रिवर्स कैसे कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम पर चीज़ें जो है ना हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में ही स्टोर हो जाती हैं, उनको वहाँ से इरेडिकेट करने पर, निकालने पर ही आप जो है फ्रूटफुल रिजल्ट देखते हो। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, मून डेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोग ना खुद करेंगे, जो भी करेंगे आप खुद करेंगे, आपके खुद के एफर्ट्स आपके लाइफ में काफ़ी सारा सक्सेस लेकर आ सकते हैं ग्रुप नंबर वन के। और आपको मैसेजेस वगैरह मिलते रहेंगे, आपको पता होगा, आपको आपके एंसेस्टर से या स्पिरिट गाइड से या जो भी हैं उनसे आपको हेल्प मिलती रहेगी, साइंस सिम्टम्स मिलते रहेंगे, पर वो जिसे आप समझ पाओगे किसी चीज़ को। तो
इफ़ यू हैव ब्रेन, इफ़ यू हैव लिटिल मेच्योरिटी, इफ़ यू आर वाइज, तब हम चीज़ को जो है ना इजली अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सक्सेसफुल कर सकते हैं उस चीज़ को. खैर, और भी कर सकते हैं. नेक्स्ट मेजर चेंजेस जो है हमारी लाइफ में क्या आ सकते हैं, नेक्स्ट यू टर्न जो है हमारी लाइफ में क्या हो सकता है. ठीक है जी. सो लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 से 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे. ग्रुप नंबर 1 जो है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे यही बोलूँगी, एंसेस्ट्रल पैटर्न या फिर डिकेज्ड वन. बिल्कुल, यहाँ पे मैं डिकेज्ड वन भी बोलूँगी. कुछ ऐसे नियर एंड डियर वंस हैं जो आपकी लाइफ में एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी थी, उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ जो है आपको साइन सिम्टम्स, या उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है. कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये. नेक्स्ट मेजर चेंजेस, ग्रुप नंबर 1 द लवर्स कार्ड फॉर यू. जो ग्रुप नंबर 1 है ना, ये खुद भी आप ही उतने ही स्ट्रांग हो जितने कि आपकी लीनिएज स्ट्रांग है. आप जिस लीनिएज से बिलोंग करते हो ना, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है. आपकी फैमिली में कोई ना कोई हीलर्स हैं, आप हीलर हो, लाइट वर्कर हो सकते हो. यू नो, लाइट वर्कर बेसिकली क्या होता है, जब हम लाइट वर्कर बोलते हैं, लाइट वर्कर कुछ ऐसा नहीं होता कि ये फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है तो हम इसको समझ में नहीं पाए. लाइट वर्कर मंदिर गुरुद्वारा में जाके निस्वार्थ सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, एनजीओ के लिए वर्क करना, है कुछ भी ऐसे करने को भी लाइट वर्कर यहाँ पर हम बोल सकते हैं. इस वाले ग्रुप के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, जो चीज़ एकदम से आपको लगता हो कि ख़त्म हो गई है, उसका फिर से जो है यू नो, फिर से वहाँ से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलना. आप लोग मेरे ख्याल से पास्ट लाइफ में भी बिलीव करते हो, जो ग्रुप नंबर 1 है. ग्रुप नंबर 1 डेफिनेटली आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी वर्कर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो. बेसिकली सोशल सर्विस से रिलेटेड आप काफ़ी कुछ कर सकते हो. ये आपके सोल को पसंद है, मुझे ऐसा लगता है. ये सिर्फ आपके लिए, आप इसलिए नहीं करते हो कि आपको पसंद है या शो ऑफ करते हो. ये इसलिए है कि आपके सोल को फूड देता है, आपकी एनर्जी को जो है ना अपलिफ्ट करता है, अपग्रेड करता है आपकी एनर्जीज को. एंजल्स के साथ भी काफ़ी अच्छा कनेक्शन है इसका, ग्रुप नंबर 1 का. देखिए, आप अगेन, मैं आपको यही बोलूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है. लाइफ से अपॉर्चुनिटीज कभी भी नहीं जाती हैं. आप अगर अपनी सारी एनर्जी सैड हो, परेशान हो, उदास हो, या जो भी है, अगर सब उसमें ही लगा देंगे तो आप नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे और कैसे लेंगे. तो आपको बहुत ही केयरफुली एनालाइज करना है ग्रुप नंबर 1 को, कि अभी भी क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, या क्या ऐसा रास्ता है, क्या सॉल्यूशन आपको किसी भी सिचुएशन का मिल सकता है, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है. सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दें, आपके बहुत ही लव्ड वन थे जो जो आपकी लाइफ में अभी नहीं रहे, या कुछ मैं यहाँ पे डिकेस्ट वन बोलूँगी, तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आपकी लाइफ जो है वो एंड हो गई है. लाइफ में बहुत कुछ है कि आप दूसरी तरह से कर सकते हो. अगेन, जैसा मैंने बोला, आप एक बहुत ही बेस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी वर्कर, लाइट वर्कर का आप रोल प्ले कर सकते हो. ना कि सिर्फ आप खुद करेंगे उसको, आपके अंडर भी लोग हो सकते हैं उसमें, और आपको इस चीज़ से अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा, नेम फेम बहुत मिलेगा आपको. आप इसको बहुत ही अच्छे से कर पाओगे. टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ 10-10 का कार्ड काफ़ी आ रहा है. काफ़ी लोगों के केस में मैं अगेन यहाँ पे यही बोलूँगी कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में, ये उन लोगों के साथ मैसेज है जिनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं उनके पार्टनर के साथ, तो कम बैक होने के बहुत सारे चांसेस हैं, सिचुएशन एकदम से टर्न होने के चांसेस हैं, और ग्रोथ की काफ़ी सारे यहाँ पे साइंस हैं. बेसिकली यस, ग्रोथ के काफ़ी साइंस हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा. और देखते हैं आपके क्या आते हैं. नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये है क्या, बेसिकली क्यों आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स. एक चीज़ तो वही है, पैटर्न्स का रिपीट होना कुछ किसी तरह के, बट फिर भी हम इसको जो है देखते हैं. दो कार्ड थे मैंने इसलिए नहीं लिए. प्लीज क्लैरिफाई दिस नाइन ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई दिस नाइन ऑफ वॉन्ड्स. द फूल का कार्ड है, जब हमने इसका क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा है. कुछ ऐसा पुरानी चीज़ जिसको आप लगातार करे जा रहे हो,
आप, क्योंकि आपको नई चीज़ में फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, डर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, वर्कलोड ज़्यादा होगा या कुछ भी ज़्यादा होगा। अगर कुछ नया चीज़ चूज़ करते हो तो बेटर है कि आप पास सिचुएशन में ही स्टक रहो। बिल्कुल नहीं करें ऐसा। हैव फेथ, हैव फेथ, आप कर पाएंगे, बहुत इसलिए कर पाएंगे। जस्ट आप एक बार बिगनिंग कीजिए। पुराने ही चीज़ों को ना बार बार यहाँ पर रिपीट भी नहीं करें आप ही अपने लाइफ में। समटाइम्स हमें ये डर होता है ना कि हम कुछ नया स्टार्ट करें या नहीं करें। बिल्कुल आप करें। आप, मुझे लगता है कुछ पैटर्न्स को खुद भी अपनी लाइफ में रिपीट कर रहे हो। वन और टू कार्ड मोर। ये ग्रुप ऐसा भी हो सकता है कि जिनको ना थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी हों, है ना, तो चेंज करिए खुद को। क्योंकि ये जो आपका, ये वाले जो कार्ड्स है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि थिंग्स जो कि आपके पास ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में है या आपको इजली मिल सकती हैं, जस्ट थोड़ा सा फेथ रखने पर। मुझे यहाँ पे इस ग्रुप का ना, ये ग्रुप जो, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ये ग्रुप जो है ना, मैं यही चीज़ बोलने वाली थी इस वाले ग्रुप के लिए जो कार्ड आ गया है, कुछ इससे ही रिलेटेड है। ये एक ऐसा ग्रुप है, आइदर अगर आप कुछ नहीं करते हो ना, तो आप अपना पैटर्न पाथ अगर थोड़ा सा चेंज नहीं करते हो तो नॉर्मल वैसे ही रह जाएगा जैसा है। बट अगर आप लीप ऑफ फेथ लेकर कुछ यहाँ पे कर रहे हो ना बाय गॉड, बहुत ही अच्छे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जिसको आप होल्ड करके बैठे हुए हो, जिसको आप रोक कर बैठे हुए हो। फियर नहीं रखिए किसी भी तरह का, किसी भी तरह का फियर है नहीं रखिए। जस्ट डू इट, आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है जस्ट डू इट। जो भी आपका हार्टफेल्ट डिज़ायर है, कोई ऐसा विश फुलफिलमेंट है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, या फिर कुछ भी ऐसा है। अच्छा देखते हैं कि अगर आपका है तो आप उसके बाद क्या चेंजेस हैं आपके उसमें। एक तो मैं और कार्ड भी देखना चाहती हूँ, हालांकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये वाला। तो और होता क्या है अगर आप ये जो स्टेप जो है वो लेते हो तो। वन मोर कार्ड प्लीज, ग्रुप नंबर वन। ये कार्ड आना चाहता है, सिचुएशन अगर काफ़ी टाइम से लाइफ में स्टक चल रही है तो वो चेंज होगी, आपके फेवर में जाएगी, श्योरली आपके फेवर में जाएगी वो चीज़। क्योंकि चीज़ें जो हैं पास में ना डिले हुई हैं, डिले भी हुई हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है, सैड फील हुआ है, आपकी क्या बोलते हैं उसको, उम्मीदें टूटना, वो भी टूटी हैं, है ना। किसी पर्सन से हो सकती हैं, आपने कुछ सोचा होगा वो हो सकता है। बिल्कुल कुछ लोगों का यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मैरिज भी टूटा है शायद, या रिलेशनशिप में थे या कमिटमेंट में थे, वो नहीं हो पाया तो उसकी वजह से शायद काफ़ी तकलीफ पहुँची होगी इस चीज़ को लेके। हैंग्ड मैन की एनर्जी, इसने जरूर आना था यहाँ पे और बताने के लिए कि मैं अभी अभी हूँ यहाँ पे, मेरे को कैसे छोड़ दिया। मैं इस कार्ड को ना वैसे अपनी लैंग्वेज में सियाप्पा बोलती हूँ, आई डोंट लाइक दिस कार्ड। चाहे इसका ना आप टैरो की बुक्स में पढ़ लो कि यू नो ये कार्ड का बहुत ही बड़ा ये कार्ड है स्पिरिचुअलिटी में, दिस और दैट, मेरे को ये कार्ड ना कभी अच्छा नहीं लगा होगा। काफ़ी लोग शायद इसका कुछ इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा करते होंगे, तो मुझे इतना पसंद नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में जब आपने बताना होता है ना, तो टैरो कार्ड्स में काफ़ी सारे कार्ड्स होते हैं, मैं तो इसको ना एक बैरियर ही लेकर चलती हूँ, वो भी लॉन्ग टर्म, कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, लाइफ में स्टक हुए पड़े हो, है ना। और ये इसके साथ और एक महान कार्ड आ जाता है जब हमारा, एक तो हम पहले से स्टक हैं और एक ऊपर से हम मतलब चीज़ें ऑलरेडी स्टक हैं, और दूसरा क्या कि हम पता नहीं क्या तलाश रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे कुछ है ही नहीं है। टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे अकॉर्डिंग इसका मीनिंग यही है, टाइम वेस्ट मत करें किसी ऐसे प्रोसेस में जहाँ से आपको कुछ मिलना नहीं है, जहाँ पर लोन हो के लिए हो ढूंढ रहे हो, ठीक है जी। टाइम वेस्ट नहीं करें, बेटर है प्रैक्टिकल स्टेप लेकर उसको इम्प्लीमेंट करें, रादर देन स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अकेले रहें, फालतू में एफर्ट्स करते रहें, टाइम को यूटिलाइज नहीं करें, फिर टाइम निकल जाए आपका, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं करें। इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रिंग मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, मेजर चेंजेस अगेन वही यू टर्न, ये वाली दोनों चीज़ों को छोड़ दीजिए, बिलीव मी। ये अगर वर्गोस है ना, तो वर्गो कहीं पे भी है आपके चार्ट में प्रोमिनेंट, यू नो, अगर आपका सन मून राइजिंग या कैसे भी है, देन डोंट डू दिस। ये दो वाली एनर्जीज इट्स नॉट फॉर यू। एक और कार्ड खाली मैं लेने वाली हूँ, आपका ना वही एक कार्ड आते आते रुका है
शायद मैंने उसको वो किया, क्योंकि मैं एक ही कार्ड थोड़ा सा ना लेना चाहती हूँ कि एक कार्ड अपना अभी गिरा है, जो भी होगा अच्छा होगा। हाँ अगेन वही आपको बोला जा रहा है भाई, होल्ड नहीं करना आपने किसी भी चीज़ को, होल्ड करके बैठे हो काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को, होल्ड नहीं करना है, रिलीज इट। एक तो पहले से ही यहाँ पे हैंगमैन लटक के बैठा हुआ है उल्टा, विच आई डोंट लाइक, और उसके ऊपर से ये वाला कार्ड। मुझे दोनों कार्ड का स्पिरिचुअलिटी में मीनिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, बट अकेले क्या करोगे आप स्पिरिचुअलिटी में भी, अगर आप उसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप भी कहीं नहीं हो, फिर कहीं पे कुछ नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो डोंट होल्ड बैक किसी भी चीज़ में। वो चीज़ आपको फाइनेंशियली भी पीछे लेकर जा रही है, स्पिरिचुअलिटी में अकेले क्या करना है अपने, है ना, कुछ नहीं होना, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, हमें ये वाली सिचुएशन अपनी लाइफ में चाहिए, फोर की, फोर ऑफ वॉन्ड्स की, कि अचीव कर चुके हैं या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अचीवमेंट कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में। तो अगर आप ये तीन चीज़ों में कहीं पे भी स्टक हो, इसको करिए रिमूव, फूल की आप उसमें आइए, बिलीव भी फूल का कार्ड और अपना इन कनेक्शंस को, या जस्ट एक्शंस लेने पे बिलीव को, एकदम एनर्जी जो आप बिल्कुल ही डाउन हो जाते हो या लो हो जाता है उसको छोड़ के ना, ब्रिंग दैट पैशनेट एनर्जी बैक इन योर लाइफ। ठीक है जी, चेंजेस देखेंगे, ये जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो रिवर्स आया है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखेंगे। पहले तो ये अपराइट तो नहीं होता, कोई भी कार्ड एकदम से अपराइट नहीं होता, क्योंकि ये कार्ड अपराइट होगा तो मीनिंग चेंज है, तो क्या होगा, आप स्लोली स्लोली इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जहाँ पे आप यहाँ स्टक हो, लॉस हो गया, किसको मिस कर रहे हो, सैड हो, उदास हो, वट एवर इट इज़, है ना, तो यहाँ से निकलोगे आप। सो ग्रुप नंबर वन, ये थी आपकी रेटिंग, आई होप दिस रेजोनेटेड विद यू, यस लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए, बाय बाय। ये ग्रुप नंबर टू जिन्होंने भी चूज़ किया है आपका, ये गोल्डन लावा, वोल्केनो गोल्डन लावा है ना, क्योंकि ये ज्वालामुखी से बनाया जाता है इसको। करें आपकी रीडिंग स्टार्ट, देखें क्या आता है आपके लिए, नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन योर लाइफ या नेक्स्ट यू टर्न आपकी लाइफ क्या ले सकती है। ठीक है जी, ओहो ग्रुप नंबर टू, कुछ ना कुछ रिलेटेड है, जो कि आपकी विक्ट्री से रिलेटेड है, जो कि मनी से रिलेटेड है, जो कि अबंडेंस से रिलेटेड है, जो कि प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड है। वाह जी वाह, देखते हैं आता क्या है। वाह, पता नहीं क्यों का यहाँ पे काफ़ी लोगों का ना बहुत सारा कुछ चल रहा है, उनका स्पिरिचुअल ट्रांजिशन से काफ़ी कुछ। बुक का कार्ड आया भाई, मेरे को येलो कलर इस वाली ना पाइल के लिए वैसे भी बड़ा सारा दिख रहा है, एंड येलो इज़ माई फेवरेट टू, येलो येलो डर्टी फेलो या मौत का कार है, डोंट वरी, इसको देखते हैं। वन मोर कार्ड, इससे मैं एक और, आपके आपके मे भी आप लोगों को येलो कलर बहुत पसंद है, या फिर गोल्ड का कुछ है रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ में। ठीक है, कुछ ना कुछ है जो कि येलो कलर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता है। एक और कार्ड चाहिए, ये आहा, सन 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 सन, ये वाला जो ग्रुप है ना, आई क्लेम दिस रीडिंग, सीरियसली आई क्लेम दिस रीडिंग, मैं अपने लिए भी। ठीक है, कुछ नहीं आगे पीछे बंद कर दिया, ठीक है हमें चाहिए भी नहीं, हम इसी में सही देखते हैं भाई। ग्रुप नंबर वन, ये जो डे टू डे लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही हैं, इशू चल रहे हैं ना, क्यों चल रहे हैं, पहले तो आप ना उसका पता लगाओ कि क्यों चल रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। क्राउन चक्रा से रिलेटेड है, मनी अबंडेंस वेल्थ से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ तो है जो आपकी इन चीज़ों से रिलेटेड है, परेशान हो रहे हो, परेशानियाँ चल रही हैं, क्यों हो रही हैं। आज थोड़ा सा पंजाबी टोन नहीं आ रहा मेरे वॉइस में पंजाबी में तो रीडिंग नहीं कर सकते हैं, खैर छोड़ो। तो आपको ना उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, सॉल्यूशंस भी लाने हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ग्रुप नंबर टू ने, ट्रिपल टू नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आप इन चीज़ों को समझने लग जाओगे ना, कि ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों मिसमैच हो रही हैं। इसका मीनिंग है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों मिसमैच हो रही हैं, तो इसी की वजह से ही आप अपनी लाइफ में स्टक हो। ठीक है, इसी की वजह से ही आप अपनी लाइफ में स्टक हो, इसी रीज़न की वजह से ही आप अपनी लाइफ में मेजर सक्सेस नहीं देख पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ग्रुप नंबर वन को गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप आपके लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ये सब इश्यूज रीजंस क्यों हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हो क्यों रही हैं। गाइडेंस लीजिए, जानने की कोशिश करिए, बट किसी लॉजिक लॉजिक होना चाहिए, फालतू में नहीं कि
हवा में धीर हम जला रहे हैं, है ना, वट एवर इट इज़। कुछ लोग बोलेंगे अंधेरे में तीर, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो वही, वैसे देखा जाए ना, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने भी आ सकती हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों का आपको, अगर आप लाइफ में डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, नहीं जो भी रीज़न है कि नहीं पता लग रहा, नहीं समझ में आ रहा, सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। देखिए गाइडेंस क्या होता है ना, गाइडेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि इंटरनेट, गूगल या बुक्स ना फ्लडेड हैं, फ्लडेड हैं ज्ञान से, नॉलेज से। सारा थोड़ी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिल्टर्ड होकर हमारे पास आना चाहिए, या हमें उस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो वही चीज़ अगर हमें मिल जाती है ना, तो बहुत ही, बिलीव मी, बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस होती है। पर हमें पता लगे उस चीज़ का तो बेटर है। अगर ऐसा है आपके साथ तो बहुत अच्छा है, जस्ट प्रे फॉर इट। यू टर्न इन योर लाइफ भाई, आप लोगों का ना एक तो पेंटिकल से बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है। आप कौन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, नहीं तो मनी से काफ़ी अबंडेंस, मनी, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, इन सब लोगों से ना आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो रहा है अभी, या कुछ ना कुछ मेजर ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाले हैं आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके कार्ड में आना चाहिए, पेंटिकल्स के ज़्यादा आपका कार्ड में आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, और मैं एक और चीज़ बोलने वाली थी यहाँ पे, देखते हैं आगे क्या आता है, बट आना चाहिए इससे रिलेटेड कुछ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में। या फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसने ना बहुत ज़्यादा फ्लिप किया एक्चुअली। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ऑफ कोर्स शायद आप लोग ना किसी तरह के दुविधा में हो, या तो अच्छा ये दुविधा ना दो तरह की हो सकती है, एक तो कोई चीज़ आपके सामने आना चाहती है या आपको पता लगी है, ठीक है, आप पता लगाना चाहते हो, एक तो ये हो गया। रीजंस कुछ ना कुछ हैं जो कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है आपकी, ठीक है। ये ग्रुप जो है ना, काफ़ी कुछ आप लोग ओपन माइंडेड पर्सन हो, काफ़ी कुछ शेयर करते हो, बोल्ड हो, डरते नहीं हो, बताना चाहते हो बता सकते हो, है ना, छुपाने वालों में से नहीं हो। तो लुक नंबर टू, एक एक करके ना, एक एक करके हम जानेंगे आपके बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं, सारे कुछ कार्ड्स आने चाहते हैं इस वाले ग्रुप के लिए कि अभी ठीक है, हम तैयार हैं, सब कुछ जानो, क्या जानना है, पूछो क्या पूछना है, ऐसा आ रहा है वाला इस ग्रुप के कार्ड्स। आपकी एनर्जी को हम करते हैं क्लियर, क्लेंसिंग, क्योंकि बहुत कुछ आ रहा है। चलिए ग्रुप नंबर टू, जस्टिस, वाह, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की मुझे यहाँ पे एनर्जी काफ़ी लग रही है भाई आप लोगों की। देखिए अगर ये आप हैं तो भी अच्छा, अगर ये आपके पार्टनर हैं तो भी अच्छा। यहाँ पे जो जैसा एज यू सो सोशली और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। कोई ना कोई तो है जो आपकी लाइफ में कंफ्यूज है, या आप कंफ्यूज हो, या आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी कंफ्यूज हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप डिसीजन लेना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, पर आपको समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन कौन सा चूज़ करूँ, किसे चूज़ करूँ। शायद पार्टनर को लेकर भी हो सकता है कि आप किसी को मैरिज करने के बारे में, या फिर कुछ कुछ स्टार्ट बिजनेस, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। पर हमने कार्ड, ये क्या है, ठीक है, पेज ऑफ कप्स। आपके पास अगर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, अगर आप उसमें से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास काफ़ी प्रोमिनेंट, प्रॉमिसिंग आएगी, ठीक है, जो कि आपको अट्रैक्ट करेगी, कोई पार्टनर पर्सन भी हो सकते हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, और आप जानते हैं एम्प्रेस का कार्ड बहुत ही ज़बरदस्त होता है जब हमारा मटेरियल वेल्थ की बात आती है। वीनस का कार्ड भी इसको बोला जाता है, इस पर पता नहीं क्यों मैं इस कार्ड को एरिस की एनर्जी से क्यों कनेक्ट करती हूँ, आई डोंट नो। मटेरियल वेल्थ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, और अगर आप सोच रहे हो ना कि आप अकेले किसी भी कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हो, तो ये आपकी गलत फहमी है। ग्रुप नंबर टू, आप अकेले अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यू नो, काफ़ी ज़्यादा क्या, आप कंप्लीट हो। अगर आप अकेले हो तो आप कभी तब भी कंप्लीट हो, और अगर आप किसी के साथ भी हो ना तो और क्या हो सकता है, एक और एक 11 अगर हम बोले तो, अगर वो आपके पूरे लेवल के इक्वल है तो आप अपने से नीचे लेवल के इक्वल पर्सन के साथ मैच नहीं कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप नंबर टू, मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। सो कोई भी ऐसी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करें जो कि आपको क्या लगता है कि नहीं,
ये मेरे उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं होती, चाहे वो कुछ भी हो। पता क्या होगा, आप उसको उस टाइम पे हो सकता है एक्सेप्ट कर लें, बाद में फिर आप रिग्रेट करेंगे कि नहीं मे भी, अब बाद में जो है फील नहीं कर पाएंगे कि मुझे ना सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट नहीं फील होगा आपको। सो बेटर है कि हम, अगर आप यहाँ इस यहाँ पर हो तो आप खुद को यहाँ पर रखें, यहाँ पर रख के अपने स्टैंडर्ड को डाउन नहीं करें। और मैं यहाँ पे बोलूँगी, काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में, ग्रुप नंबर टू में, अगर आपको खुद के ऊपर फेथ है ना, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में रहते हो, आपको फेथ है खुद के ऊपर, आपको जस्टिस मिलेगा, तो आपको सक्सेस बहुत मिलेगी। इस वाले ग्रुप को काफ़ी सक्सेस मिलेगी, मटेरियल के साथ आप लोगों को स्पिरिचुअल सक्सेस भी मिलेगी। आई वंडर अगर यहाँ पे एम्परर का कार्ड आता है तो। सो लेट अस सी ग्रुप नंबर, और भी देखते हैं क्या आता है यहाँ पे, ये क्यों गिरा है यहाँ पे, देख लें जरा कौन है ये। टू ऑफ, अच्छा वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए, अगर आपके पर्सन को लेके है, अगर आपके पार्टनर को लेके, आप खुद भी हो, ठीक है, खुद भी हो, एक तो अपना विजन ब्रॉड रखिए, ज़्यादा सोचना समझना नहीं है। अगर प्लानिंग प्रेपरेशन हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, बट प्लानिंग प्रेपरेशन भी आपका अच्छा रहना चाहिए। आप जहाँ पे अभी बैठे हो ना, अगर आप अपने जो भी लोग इसमें अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं, अभी वो आपके इक्वल लेवल पर नहीं है, अभी नहीं है, इस वक्त उनकी एनर्जीज आपके इक्वल लेवल पर नहीं है। अभी ये कौन सा कार्ड गिरा है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, वेट कर रहे हो क्या, करो, मैं नहीं ले रही इस कार्ड को। सैड फील करते हैं शायद कभी कभी, वेट करते हैं कभी कभी, ऐसा लगता है कि अरे वो सब तो लाइफ से जा चुका है, अब थोड़ी वो टाइम वापस आएगा। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, टाइम को हम वो नहीं करते हैं, जिस टाइम ने जब अच्छे ने आना है, बुरे ने आना है, वो अपने आप आता है अपनी स्वीट विल से। ठीक है, ग्रुप नंबर टू, लोगों का ना, अच्छा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच इज टू गुड। आपके पार्टनर के उसमें चेंजेस आएगा बिहेवियर में, ठीक है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड अपने आप आके गिरा है, पर क्योंकि यहाँ पे नहीं गिरा है तो हम इसको नहीं लेने वाले हैं। तो भाई मैं जानना कुछ और चाहती हूँ, आपका पूरा स्टोरी निकल के कुछ और ही आ रहा है। यहाँ पे कार्ड है आपका नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। कुछ लोगों का ना यहाँ पे हो सकता है वो कुछ जॉब, मनी, टैरो, हीलिंग वगैरह 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 किसी भी उसमें हो, स्ट्रीम में हो, तो उनको इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी आएंगी इनके अंदर। आप अपने अंदर काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स देखोगे, मेच्योरिटी देखोगे, प्रमोशन वगैरह भी देखोगे, किसी भी लेवल पर हो सकती है वो, ठीक है, डेफिनेटली होगा ये। और आ जाओ, कितने गिर रहे हैं, एक तो है ना आप लोग अपना, वाह क्या कार्ड है, मैंने देखा बोला था ना आपको, टू के बाद थ्री, इम्प्लीमेंटेशन का कार्ड जरूर करें आप इसको। टेन ऑफ कप्स, ओए होए मस्त, मतलब अभी भी प्रोसेस में ही चल रहे हो आप लोग, अचीव कर सकते हो, मैं आपको इतना बोल दूँ, अचीव कर सकते हैं आप जो चाहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ना ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ कप्स, और क्या बोलते हो आप इसको, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हम सभी इसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं। मैं ना, आप सोच, आपके पता क्या, इस वाले ग्रुप के ना कार्ड्स का ही इशू है, एक एक करके कार्ड नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी स्टोरी बताना चाहते हैं। ये आपका रिवर्स आया है, हायरोफेंट का कार्ड। ये देखिए आपके कार्ड्स कैसे फोल हो रहे हैं, आप किसी भी उसमें उठाएंगे, कार्ड्स ऐसे फोल नहीं होते हैं। ये ग्रुप बहुत ही क्यूरियस है जानने को लेके, ठीक है, आप जानना कुछ और चाहते हैं कि क्या वो चीज़ अचीव हो पाएगी, कब, कैसे, कहाँ है, देखते हैं आता है या नहीं आता, उसको लेके तो आप परेशान रहते हो, कभी कभी ओवर थिंकिंग, कभी कभी नींद नहीं आएगा, कभी कभी सोचते ज़्यादा हो। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, अभी टाइम नहीं आया भाई, ठीक है, आप जो भी पूछना चाहते हो ना ग्रुप नंबर टू, अभी टाइम नहीं आया उसका, अभी टाइम लगेगा। ग्रुप नंबर टू, एनर्जी
इज वाओ, एट ऑफ वॉन्स, वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ। देखिए, ग्रुप नंबर टू के लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स लेने के भी यहाँ पे जुड़ते हैं। एनर्जी इस वक्त थोड़ा सा आप लोग अपनी खुद डाउन कर रहे हो, एनर्जीज को थोड़ा सा वाइब्रेशन को हाई करो, रेज करो, बहुत ज़रूरी है इस ग्रुप नंबर टू के लिए। ठीक है, एक फाइनल फाइनल अभी हम एक दो और कार्ड लेने वाले हैं, देखते हैं क्या आएगा। वैसे कार्ड काफ़ी आना चाहते हैं इस वाले उसके लिए, पर एक नहीं आना चाहता, बहुत कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे इस कार्ड के, पहली बार हो रहा है भाई, पहली बार हो रहा है कार्ड्स ऐसे प्ले कर रहे हैं। कौन है ये वाला ग्रुप का? मैंने ही बोला ना इस ग्रुप को कि ये रीडिंग मैं भी क्लेम करती, कर लो। और डेथ का कार्ड है, टू गुड, ब्यूटीफुल। एक मेजर स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में ना, कुछ ऐसा मेजर चेंजेस आएंगे जो कि आपको खुद को स्ट्रेंज लगेंगे। ठीक है भाई, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? आप पता है कहाँ बहुत, एक ग्रुप नंबर टू के लिए एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दूँ, ये ग्रुप बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। आप लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा भी नहीं है आप कहाँ जा रहे हो एकदम से। आप लोगों को लग रहा है ये सब क्या हो रहा है, पजल हो रही हो, मे बी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कभी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बट मैं ये चीज़ बोल दूँ, आप लोग बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस कर रहे हो बैकग्राउंड में, शायद समझ में भी नहीं आ रहा है आप लोगों को। मैं इस ग्रुप की जो रीडिंग जो है ना क्लोज करने वाली हूँ अभी, अगर एक दो कार्ड्स नहीं आए, क्योंकि कार्ड्स कुछ भी आ नहीं रहे हैं, एंड दिस इज स्ट्रेंज। और आपको पता है कार्ड्स किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मैंने जैसे बोला ये बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है। आप जिस भी प्रोसेस की बात कर रहे हैं मैं आपको अभी बताऊंगी नहीं, उसको एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। विद इन वन ईयर में ना बड़े सारे मेजर चेंजेस देखोगे आप, जो डिसीजंस थे जो बहुत ही डिले हो रहे थे, और जो चीज़ें थी जो फॉर्म नहीं हो पा रही थी, जिस इसकी फाउंडेशन, यहाँ पे फाउंडेशन रखी जाएगी उस चीज़ की, यस, यहाँ पे फाउंडेशन रखी जाएगी उस चीज़ की। अभी भी कोई है जो कि पूरी तरह से अपनी पावर में नहीं है, खैर नो वरीज। सो ग्रुप नंबर टू, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विद यू। एनर्जीज के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करें आप लोग, ये ऑलरेडी आपका जो है भी काफ़ी सारे फास्ट चेंजेस आएंगे, उनको आपने एक्सेप्ट करना है, बहुत सारे आएंगे, आप काफ़ी सारे चेंजेस देखोगे, एक्सेप्ट करना है आपने उसको। प्लीजिंग है, हैप्पी है, ऐसा कुछ नहीं है, इम्प्रूवमेंट की तरफ काफ़ी जा रहे हैं, काफ़ी फास्ट प्रोग्रेस भी हो सकती है, फास्ट डिसीजन लेने पड़ सकते हैं इस ग्रुप को, अगर लेने पड़ेंगे तो ले लेना, नो नीड टू यू नो फील एनी टाइप ऑफ क्या बोलेंगे इसको, फियर या वट एवर इट इज़। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विद यू। फी एस लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स के लिए, बाय बाय। ये ग्रुप नंबर थ्री जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये वाला श्री लक्ष्मी देवी के लोटस फीट, इसके नीचे था आपका एंजलाइट, ये मिल गया मुझे स्टोन एंजलाइट का। यार चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन योर लाइफ और नेक्स्ट यू टर्न। ग्रुप नंबर टू की रीडिंग तो बहुत ही ड्रामेटिक थी, पता है, तो देखते हैं ग्रुप नंबर थ्री के लिए क्या आता है। आहा, व्हील, आई लव दिस कार्ड, व्हील या व्हील ऑफ फॉर्चून, इसमें से आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। कि ये ना ग्रुप नंबर टू वाले भी इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, उसको देख सकते हो, मैं बिलीव मी। हा स्टार, बाप रे मजा आ गया, नाइस। एक और ले लें, वैसे तो जरूरत नहीं थी, बट ना हम एक और ले लेते हैं। शैडो मास्क, वेरी नाइस। ग्रुप नंबर थ्री आपके साथ यहाँ पे क्या चल रहा है? अचानक से मेजर शिफ्ट देखोगे आप अपनी लाइफ में, मेजर मेजर शिफ्ट जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। लाइफ कहीं पे स्टक हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके पार्टनर के साथ, आपकी मैरिड लाइफ, ठीक है जी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बंद थी, ब्लॉक थी, वो अचानक से ओपन हो जाएंगी, या तो आपको ऑल ऑफ सडन जो है डेस्टिनी से ये चीज़ जो है ऑल ऑफ सडन मिल जाएगी,
कोई ब्लेसिंग भी हो सकती है, या फिर जिसको कुछ लोग बाय चांस थ्योरी में बिलीव कर सकते करते हैं ना, वैसा भी हो सकता है। यहाँ पे शेडो रिमूव होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ब्लॉक जो है आपकी लाइफ से रिमूव होगा। कोई ना कोई चीज़ काफ़ी टाइम से स्टक है। कुछ लोग यहाँ पे जो है अपने सोलर सैक्रल रूट चक्रा के साथ भी, अब आप लोगों को अगर हैंड का कुछ लोगों को मूवमेंट नहीं फील होता ना, वो पूछते हैं मुझसे। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे स्टक होना, जिसकी वजह से लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो चीज़ बोलूँगी आप लोगों को। भाई दिसंबर के मंथ में, स्पेशली नवंबर दिसंबर के मंथ में, आप ये वाला ग्रुप अपने लोअर चक्रास के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करें, क्योंकि चेंजेस आएंगे। जो भी चेंजेस थे वो किसी एक्टिविटी की वजह से स्टक हुए हुए थे, रुके हुए थे, जो कि एकदम से हो सकता है, एकदम से या किसी भी रीजन से, किसी भी ब्लेसिंग से, जो कि मैंने पहले भी बोला, चीज़ें जो है ओपन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। मैरिज से रिलेटेड हो तो भी, रिलेशन से रिलेटेड हो तो भी, काफ़ी सारे यहाँ पे पॉजिटिव आप इम्प्रूवमेंट्स देख सकते हो। ब्यूटीफुल। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट यू टर्न और मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। पास्ट में ना हो सकता है कि आप कहीं वेट भी कर रहे हो, लो कॉन्फिडेंस लेवल भी फील करते हो, सैक्रल जब फीमेल्स हैं, चक्र सैक्रल चक्रा के इश्यूज हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है, और चीज़ें डिले देख रहे हो अपनी लाइफ में। वाह, इस ग्रुप के अंदर पोटेंशियल्स बहुत हैं, अगर इसका यूटिलाइजेशन किया जाए, अगर इसको सही डायरेक्शन दी जाए। तो देखें ये क्या कार्ड आया है। हाँ, था फूल का कार्ड, फूल का कार्ड, न्यू बिगनिंग्स होना लाइफ में, और ब्यूटीफुल बिगनिंग्स होना, वंडरफुल बिगनिंग्स होना। मेरे को ना आपके ऊपर ना ज़्यादा ब्लेसिंग्स वाला टाइप का कुछ लग रहा है, कि आपका अचानक से कुछ स्टार्ट हो सकता है, जो कि काफ़ी टाइम से स्टक था, डिले था, प्रॉब्लम से इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज भी इम्प्रूव, हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है, काफ़ी सारी कुछ चीज़ों का, अलग अलग लोगों का ना, कुछ चीज़ें जो कि पहले उनके साथ नहीं थी, उनके फेवर में नहीं थी ना, अचानक से फेवर मिलना, जैसे किसी का कोई एनर्जी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फेवर काफ़ी उसमें जा रहे हो आप। ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपका। भाई आप पहले से बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंट फील करोगे, पहले बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बिल्कुल नहीं, आप ये देख सकते हो, ये वाला कार्ड जो ग्रुप नंबर 2 था, वो एक्सटेंडेड वर्जन है इसका, मैं लिखने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एम्परर का कार्ड आया है यहाँ पे, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड इन यू नो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग में। यहाँ पे ना बहुत सारे ना अलग से दो तरह के अलग मैसेज आ रहे हैं दोनों पर्सन के लिए। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो ना, क्या आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, स्टेबल होंगे, विन कर पाएंगे पावर के टर्म्स में, किसी भी टर्म्स में, या कुछ भी, एवरेज का कार्ड है, तो हाँ जी, मत सोचिए पास्ट में क्या हुआ था, सिचुएशन कितनी बेकार थी, वर्स्ट थी, कुछ भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून अगर एक बार जिसके फेवर में टर्न हो जाए ना, तो कुछ भी हो सकता है। आपने तो चूज़ भी लक्ष्मी देवी के लोटस फीट किए हैं फिर। मजा है इस वाले उसका भी, यू नो, इस वाले थर्ड ग्रुप का भी अपना ही इसमें वो है कुछ। अच्छा, एक चीज़ मैं और इस वाले ग्रुप को बोल दूँ, सेल्फ हार्म नहीं करें, खुद को रोक कर नहीं रखें, चाहे कुछ बोलना हो, चाहे कुछ एक्सप्रेस करना हो, खुद को किसी भी तरह की बाउंडेशन में नहीं रखे, ये वाला ग्रुप। अब बाउंडेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी करो, नहीं, पर ये ग्रुप जानता है बाउंडेशन किस तरह की है। किसी भी तरह की खुद को बाउंडेशन में नहीं रखें। आप लोग बाउंडेशन के लिए नहीं बने हो, ये जो ग्रुप नंबर 2 है ना, बाउंडेशन में रखोगे तो लाइफ में स्टक फिर तो होना ही है आप लोगों ने। नेक्स्ट मेजर चेंजेस और यू टर्न इन योर लाइफ, आपका एक ना ब्यूटीफुल सा विश फुलफिलमेंट है। आप सोच रहे हो क्या वो विश फुलफिल आपका होगा, जो कि सिर्फ आपका हार्ट जानता है, होगा आपका वो विश फुलफिल, बिल्कुल होगा। होगा। कुछ लोगों का यहाँ पे प्रोजेनी से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं,
ठीक है। अगर आप लोग पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यू नो प्रोजेनी से रिलेटेड, लाइक प्रेगनेंसी से रिलेटेड है कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे, फैमिली से रिलेटेड आगे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है आपका, जनरेशन से रिलेटेड कुछ कनेक्टेड है यहाँ पे आपका। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। अच्छा लगता है ना मुझे ना, थोड़ा सा एक डेक चेंज करते हैं तो जो पंचायत डेक ले रहे हैं, कॉलेज का कार्ड है। आप लोगों अगर एक्वेरियस हो ना तो जबरदस्त कार्ड है ये वाला, ठीक है जी। अगर आप लोग एक्वेरियस हो, सन मून राइजिंग। अच्छा एक वर्ड मैं बोलूं, जैसे किस्मत खुलना, किस्मत खुलना, मैं ये वर्ड यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, बट आप लोग समझदार काफी हो, शायद कुछ लोग इसमें समझ रहे हैं अपनी चीज को। मेल मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा है इस वाले ग्रुप में, बहुत ज्यादा। आई कैन फील दिस एनर्जी, मैं इस एनर्जी को ना फील कर पा रही हूँ। ओह सी जजमेंट का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन। ये ग्रुप जो है ना स्पिरिचुअली साइकिक वाइज भी बहुत स्ट्रांग है भाई, वाकई में आई वॉज राइट। ये ग्रुप स्पिरिचुअल साइकिक लेवल पे काफ़ी स्ट्रांग है, आप लोगों का तो ऑटोमेटिक ही ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है इस वाले ग्रुप का। ये ग्रुप का ना पेयर होना चाहिए, एक आपका एक पेयर भी होना चाहिए, आपका ऑपोजिट एक पर्सन। अगर आप मेल हो तो आपके ऑपोजिट इक्वल एक फीमेल होनी चाहिए, अगर आप फीमेल हो आपके ऑपोजिट इक्वल एक मेल होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे ट्विन ट्वेन का कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, बट मैं फिर भी मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए महसूस कर पा रही हूँ, ठीक है। देखते हैं, एक ना माइंड में आपके जो भी अगर टेंशन हो, स्ट्रेस हो, वो उसको बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दो, नहीं चाहिए बोले, वो चाहिए ही नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। अब मैं इस उसमें चाहती हूँ कि वो जो वो कार्ड है एक जो आए, देखते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज है ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 ना, किसी चीज के बहुत क्लोज है। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। सेलिब्रेशन, लॉन्ग टर्म में तो नहीं पता, शॉर्ट टर्म में आप काफ़ी सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो। कहीं पे विजिट भी करना चाहते हो तो बिल्कुल करें, जहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज चाहते हो। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, काफ़ी सारी चीज़ों का क्लैरिटी होना भाई। ग्रुप नंबर 3 का मैं एक चीज़ और बोल दूँ, डजेंट मैटर आप कितने ही स्ट्रॉन्ग मेल हो, फीमेल हो, अल्फा मेल हो या अल्फा फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट आप लोगों का थर्ड आई चक्र, आप लोगों का ब्रेन, आप लोगों का विजन, आप लोगों का सोच, इट्स जस्ट टू गुड, टू गुड। एंड आप लोगों को अंदर जो एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक जो समझ है ना, वो दूसरे लोगों से अलग है। किताबी ज्ञान नहीं दिख रहा है मुझे इस ग्रुप के लिए, कहीं पे भी किताबी ज्ञान नहीं है। एक और दो कार्ड देखते हैं। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे ना थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने की वजह से, सेल्फ एक्टिवेट होने की वजह से, अपने आप एक्टिवेट होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों का जो है ना पता लगने वाला है, एंड दैट इज गुड। इस वाले ग्रुप के ऊपर किसी ना किसी गॉड, डेमी गॉड या जो भी है कि ब्लेसिंग्स काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है, वो भी जो मैं पेयर में फील कर पा रही हूँ। शिव शक्ति हो सकते हैं, लक्ष्मी नारायण हो सकते हैं, कोई ना कोई तो है जिनकी स्ट्रॉन्ग है। और हो सकता है ये वाला ग्रुप जो है किसी बिजनेस में हो, बिजनेस करना चाहते हो या फिर बिजनेस में हो। आपको बस एक चीज रखना है, नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहना है इस ग्रुप ने, चाहे आपके ऊपर पुरानी हो, किसी भी हो, सेल्फ हो, दूसरों की हो, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए खाली आप प्रेयर करिए, बिल्कुल प्रेयर करिए। हो सकता है परेशान हो, पास में किसी ने फाइनेंशियल आपको लॉस किया हो, धोखा दिया हो, चीट किया हो, ऐसा भी हो सकता है, तो वो पास था है ना, वो एनर्जी जाएगी। देखिए एक तो यहाँ पे कार्ड आया है आपका पेशेंस का, टाइम आने दीजिए, आप लोग फाइनेंशियली फ्लरिश करेंगे, और फ्लरिश करेंगे, क्योंकि आप डेस्टाइंड हो,
यहाँ पे कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, सेंटर वाला कार्ड लवर्स का कार्ड है। मैं बोल रही हूँ ना, इस ग्रुप का ना एक ऑपोजिट मतलब एक पार्टनर पर्सन है, सोलमेट की एनर्जी बोल सकते हो, इस ग्रुप की स्ट्रांग है। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर में काफ़ी सारे चेंजेस देख सकते हो आप, एनर्जीज काफ़ी अलाइंड देख सकते हो अपनी लाइफ में, और काफ़ी सारे यहाँ पे मैरिज के काफ़ी सारे चांसेस हैं, एनर्जी का यूनियन काफ़ी सारे चेंजेस हैं, चांसेस हैं। और आपका जो है ना, आपका स्पिरिचुअलिटी का, आपका मटेरियल लाइफ के साथ का कनेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। इन नर्शल अगर आप जानना चाहते हो वाला ग्रुप, क्या मेरे को मेरी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली फाइनेंशियली आप सक्सेसफुल तो होंगे ही होंगे। राइट नाउ काफ़ी सारे एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी चेंजेस चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो परेशान नहीं होना है। बस इस ग्रुप में अपने आपको प्रॉपर रेस्ट दें, प्रॉपर स्लीप लें, ब्रेन को काफ़ी रेस्ट देने की जरूरत है अगर आप चाहते हो ये वाला ग्रुप। किसी भी कोई भी लॉर्ड बुद्धा का स्पेशली मैं बोलूँगी, आप मंत्र या प्रेयर को रिसाइटेशन कीजिए, चैंट कीजिए, सुनिए खाली। आप जब रात को लेटे हों, सोए हों, तो आपको सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे चाहे महामृत्युंजय का भी मंत्र जप वगैरह चैंटिंग कर सकते हैं। स्पेशली इस ग्रुप को ना अपने ब्रेन को हल्का रखने की बहुत ज़रूरत है, बाकी सब ओके है यहाँ पे। काफ़ी इस रीडिंग को मैं इलेबरेट भी कर सकते थे, बट वही है ना, टाइम भी हो चुका है। सो ग्रुप नंबर 3, ये थे आपके रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू। इफ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के वंडरफुल कमेंट्स के लिए। Have a nice, beautiful day ahead.